नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका अयोध्या के संत और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने स्वागत किया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार के इस फार्मूले पर राज्य में विधि आयोग ने सिफारिश की है, जिसमें एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएँ दी जाएँ। वहीं दो से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश प्रस्ताव में की गई है। अयोध्या के संतों का कहना है कि राज्य विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है वह स्वागत योग्य है। क्या कानून बनने जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हमारे देश का है। हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पर कानून बनाती है तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इस पर भी नियम कानून होने चाहिए। सरकार अगर प्रयास कर रही कानून बनाने का तो सरकार बनावे, हम भी उसका स्वागत जो है करते हैं। मुस्लिम समाज से कोई अपील करेंगे कि कानून को लेकर कहीं कोई विरोध ना हो? देखिए, मुस्लिम समाज जो है कानून का विरोध नहीं करता। सवाल कानून का है, कानून सबके लिए होना चाहिए। जो कानून हमारे देश में बने वो सबके लिए होए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। सबको चाहिए कि सरकार के नियम कानून को बनाने जब सरकार बनावे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका विरोध ना करे, क्योंकि सरकार सबका भला चाहती है। हम भी यही चाहते हैं। हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध ना करें, ये बेहतर होगा। देखिए, पालन सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो देश उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी दो बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर दो से बच्चे से ज्यादा है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे, सरकारी लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी योजना रचना सरकार का सराहनीय है। और सरकार ने जो पब्लिक ऐप है इस पर अपलोड कर दिया है और राज्य के जो आम जनमानस है उससे अपनी राय मांगी है, स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री के मूल्य में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी एवं महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस प्रदर्शन निकाला गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बैठकर हाथों में तख्ती लिए नारे लगाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मनरेगा संविदा कर्मचारियों ने ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम रोजगार सेवकों ने वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए समायोजन न किए जाने के विरोध में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप एक दिवसीय सांकेतिक धरना विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां सलमा खातून ने अपने 3 महीने के बच्चे का 50,000 रुपए के लिए झूठा अपहरण कर डाला। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे के अंदर बच्चों को खोज निकाला। घटना गोरखनाथ इलाके के रसूलपुर की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस और आला अधिकारी इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। वहीं इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां घटना का मुख्य कारण प्रेम प्रपंच बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जियनपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से मृतक मनीष और उसके साथ रहे एक अन्य युवक की अंतरंग की बातें सामने आई। वहीं युवती का मनीष के प्रति आकर्षण देख दूसरे युवक ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाकर साजिश के तहत युवक की हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुट गई। चाकू लगी लाश मिली हुई थी और उनकी पहचान जैनपुर के एक युवक के रूप में हुई थी। जब इसकी तफ्तीश की गई तो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी
इस मर्डर में हुई है और इसका नाम रुपेश उपाध्याय है। ये सारा मामला यह है कि ये जो हत्या है प्रेम प्रसंग में हुई है। ये भी एक लड़की से प्रेम करता था और मृतक भी एक लड़की से प्रेम करता था, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इसके द्वारा अपने भांजे के साथ मिलकर हत्या की गई। इसमें इसके बाद से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं, घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अब एक जो आला कतल है चाकू वो बरामद हुआ है जिससे गला काटा गया था। सारी चीज़ क्लियर हो गई है और ये पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें उस नवयुवक की हत्या हुई थी। तो सर आप कहने मतलब कि एक ही लड़की से दो लोग प्यार करते हैं? हाँ, एक लड़के ये भी प्यार करते थे और मृतक भी प्यार करते थे, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए इसने उसकी हत्या की। यूपी के चंदौली जिले में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर इस दौरान राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर सुभाष पार्क से लेकर काली मंदिर रेलवे स्टेशन परिसर तक पदयात्रा निकाली और महिला कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल का दाम कम करने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई है जिसमें पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर बिजली दाल चीनी सरसों तेल आदि खाद्य सामग्री शामिल है। कमेटी मुगल पर क्या कार्यक्रम है आज? हम लोग का कार्यक्रम देश में जो बेतहाशा महंगाई चल रही है और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उसी को लेकर अभी 12 तारीख को हम लोग आज जो है पूरे पदयात्रा निकाले हैं। इसके पहले 7 तारीख को तहसील पे जो हम लोग धरना दिए थे और राज्यपाल महोदय को मांग पत्र दिए थे। आज 12 तारीख है, आज हम लोग जो सुभाष पार्क से पदयात्रा निकाल कर महंगाई के विरोध में जो है ताली पर जो है माइक बांध कर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो इसे तत्काल वापस ले और किसी के परिपेक्ष में अभी जो 15 तारीख को हम लोगों का जो है पेट्रोल पंप पर जो है सभी फ्रंटल संगठन के लोगों से मिलकर हम लोगों को जो है हस्ताक्षर अभियान चलाना है और 17 तारीख को लखनऊ में जो है जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग धरना करके विरोध कर रहे हैं और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि यह बड़ी हुई चीज़ें जो खाद्य सामग्री हैं पेट्रोल है डीजल है इन सब की चीज़ों को तत्काल वापस लिया जाए। हम लोगों के हमारे साथ जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं और फटंकल के जो है किसान मोर्चा के जो हमारे जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अखिल जी हैं और बहुत से फटंकल के लोग जो हैं क्या कार्यक्रम था आज कार्यक्रम था पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ महंगाई के विरोध में प्रियंका गांधी के आह्वान पर अजय लल्लू जी के आह्वान पर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, एक समय था कि स्मृति ईरानी और जैसे राजनाथ सिंह जैसे लोग सड़क पर विरोध कर रहे थे इसी महंगाई को लेकर और उस समय मनमोहन सिंह के सरकार में 165 रुपया बैरल तेल था, तब 50-55 में बिका, आज 50 रुपया बैरल है तो आज 80-90-100 के पार हो गया। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर और इसको हमेशा करते रहेंगे और 17 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश का लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए संगीता सिंह के साथ महिला कांग्रेस के आह्वान पर हम लोग यहाँ रोड पर आए हैं और इसका इसका दहन भी किए हैं कि मोदी जी इसको जो है महंगाई को कम करो और जनता को कम लूटो, क्योंकि मनमोहन सरकार में 3 रुपया टैक्स था, इनके सरकार में 35 रुपया टैक्स है, जनता को लूट रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने किया। धन्यवाद। यूपी के आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय यादव को शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष ने सभी चुने गए जिला पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला पंचायत 1995 में गठित की गई थी जिसके बाद समाजवादी पार्टी 6वीं बार इस सीट पर काबिज हुई है। सर आज शपथ ग्रहण किया गया, क्या चीज़ देंगे जी? सर आज शपथ ग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा प्रभार आपके जिम्मे दिया गया है जिला पंचायत का। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आज हमें निर्वाचित किया गया है और इसके लिए हम सभी जिला पंचायत सदस्यों का और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का, सभी का, जिलाधिकारी महोदय का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और अपनी अध्यक्षता के रूप में जो भी कार्य होंगे
विकास के उसको महत्वपूर्ण आवश्यकता देखते हुए जिले में वो कार्य किए जाएंगे। गांव की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या किया? देखिए, गांव की जो स्थिति है उसको जिला पंचायत सदस्य द्वारा हमारी योजना में उसकी स्थिति बताई जाएगी, उस उनके हिसाब से वो कार्य किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को गांव तक किस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सरकार की योजनाओं को गांव तक स्तर पहुंचाने का हमेशा कार्य हुआ है, कार्य होगा भी, पर उस स्थिति को देखना पड़ेगा और देख के ही कार्य करना पड़ेगा कि कितनी आवश्यकता, किस जगह कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब आवश्यकता के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा। सर, आज यहाँ में क्या कार्यक्रम आयोजित? आज 12 जुलाई को आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विजय यादव जी को शपथ ग्रहण कराई गई है। उनके द्वारा सभी सदस्य गणों को भी शपथ ग्रहण कराई गई है। आज से विधिवत सदन जो है वो सभी ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को और सभी सदस्य गणों को बधाई देता हूँ उनके नए दायित्व के लिए। धन्यवाद। उत्तराखंड के खटीमा जिले में लगातार बारिश के चलते जल भराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। इसके साथ ही लोगों के घर और खेत भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिससे होने वाले खतरे की आशंका को लेकर किसान दो नाले जाते हैं, थनारा और कमन। तहसील प्रशासन कमन तो नदी है लेकिन थनारा एक नाला है। अधिकारियों ने निरीक्षण मौके का जायजा लिया। इस दौरान उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा यूपी और उत्तराखंड से संबंधित अधिकारियों को शारदा सागर बांध के अंदर पानी निकासी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और जल्द ही पानी निकासी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। बांध के अंदर दो नाले जाते हैं, थनारा और कॉमन। कॉमन तो नदी है लेकिन थनारा एक नाला है, लेकिन दोनों साइड से भर जाने के कारण और उसके आगे जो पुल है जिसमें पानी निकासी होती है, नाना सागर डैम के अंदर जाता है, वो छोटा होने के कारण वो पानी जो डैम के अंदर ना जाकर सारा पानी ओवरफ्लो होकर वो साइड से निकलकर वो जो गांव है उधर सड़ासड़िया प्रतापपुर नौसर बुढ़िया तक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आज मौके पर हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के अधिकारी सबको लेके यहाँ भ्रमण किया गया और इनको निर्देशित किया गया तत्काल इसका आप सिस्टम बनाए कि पानी की निकासी कैसे हो, ताकि ये पानी जो बाहर फैल रहा है कि नाना सागर बांध के अंदर जा सके। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम एक सप्ताह के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट इसका बनाएंगे। बांध के अंदर दो नाले जाते हैं। उत्तराखंड के खटीमा जिले के प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का, जहां सूबे के मुखिया बनने के बाद अभी तक अपनी विधानसभा खटीमा नहीं आए, वहीं दिल्ली दौरे से लौटने के बाद जल्द ही सीएम के खटीमा लौटने की खबरों के बीच खटीमा वासी अपने विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। इस अवसर पर खटीमा मंडी समिति परिसर सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियों का मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की यहां पर संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन में स्वागत की तैयारी को लेकर यहां पर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार अपने गृह क्षेत्र में पहुँचने वाले हैं, तो उनका स्वागत भव्य हो ऐसी योजना, इसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की एक बैठक मंडी गेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें हमारे माननीय विधायक जो क्षेत्रीय विधायक अंतिम विधानसभा के विधायक थे, आज वो उत्तराखंड के प्रथम नागरिक बन गए हैं, उसके स्वागत कार्यक्रम को लेकर हुई। और उसमें हमारी जो क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएँ हैं जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख सकते हैं, जो आने वाला जो उनका स्वागत कार्यक्रम है जिस दिन वो अपना समय देंगे, तो उन विषय के ऊपर भी चर्चा की गई। समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ अपने विषय रखे, अपनी समस्याएं रखी, इसको लेकर के हमने भाजपा नगर मंडल की एक बैठक आहूत की गई। भारतीय जनता रामनगर अयोध्या में रोहित सिंह ने वैदिक मंत्रों के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस अवसर पर आचार्यों ने वैदिक मंत्रों के बीच पूजा पाठ सम्पन्न करवाकर रोहित सिंह को डीएम अनुज झा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रोहित सिंह ने 39 जिला पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई, जिसमें भाजपा और सपा के सभी निर्दलीय सदस्य शामिल रहे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला पंचायत कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद संभालने के बाद रोहित सिंह ने कहा कि वह अयोध्या का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज सफल हुआ, अब हम उनकी सेवा करेंगे, अपना कार्य करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। मैम, क्या आपका अपनी अयोध्या का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का सपना है, उसे साकार करेंगे। अयोध्या में विकास की धारा बहाना चाहते हैं और वही हम करेंगे। आज जो है शासन की ओर से आज का तिथि यह नियत किया गया था कि इसमें जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष का और सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाए। उसी के क्रम में माननीय अध्यक्षा जी का और सभी सदस्यों को फिर अध्यक्षा जी के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया है। उन्होंने अपना जो है कार्यभार वो भी कार्यालय में ग्रहण किया है। तो यहाँ पर जो है मेरा प्रशासक के रूप में जो दायित्व था वो पूरा हुआ और अध्यक्षा के रूप में अब वो आगे जो आने वाला समय है उसमें जिला पंचायत के सभी कार्यों का संभाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।